हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की आने वाली अपकमिंग फिल्म बड़े मियाँ और छोटे मियाँ के बारे में। तो दोस्तों, आज हम इस बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक बने रहे। तो आप सभी को बता दूं कि हमारे द्वारा दिखाई गई जितनी भी खबर होती है वो सब ऑफिशियल वेबसाइट फिल्मी बीट हिंदी के माध्यम से दिखाई जाती है, जिसमें कोई भी झूठ नहीं होता है, सब रियल होता है जो हम अपने दूसरे मोबाइल के जरिए दिखाते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की फिल्म इस वजह से बनी कि बॉलीवुड की सबसे महंगी एक्शन फिल्म दिवाली 2023 पर आएगी। ये 2023 की आने वाली सबसे ज़्यादा बजट वाली फिल्म एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसमें अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ होने वाले हैं। तो इसकी और जानकारी दे तो अली अब्बास जफर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को लेकर एक तो ये बजट बड़े बजट की फिल्म होने वाली है, जिसको अली अब्बास बनाने जा रहे हैं। ये तो हम आपको बता ही चुके, इस फिल्म का नाम बड़े मियाँ और छोटे मियाँ है। ये बड़े मियाँ और छोटे मियाँ हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी एक्शन कॉमेडी फिल्म बनने जा रही है, और जिसका मुख्य कारण है अक्षय कुमार महंगी फीस लेने वाले। माना जा रहा है कि इस एक्शन कॉमेडी का बजट है 300 करोड़ रुपए, जिसका लगभग 50% केवल अक्षय कुमार की फीस है। इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार लगभग 140 से 150 करोड़ की फीस ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ टाइगर श्रॉफ भी फिल्म के लिए 35 से 40 करोड़ लेंगे। ये इस फिल्म का ऑफिशियल पोस्टर आप देख लीजिए। तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ का लगभग 60% बजट केवल इन एक्टर की फीस पर जाने वाला है, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर को इससे कोई गुरेज नहीं है। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं वासु बगनानी और जेकी बगनानी की प्रोड्यूस कंपनी रुजा फिल्म से है। दिवाली पर होगा बड़ा धमाका। गौरतलब है कि अक्षय कुमार वासु बगनानी जैकी बगनानी के साथ हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की आने वाली अपकमिंग फिल्म बड़े मियाँ और छोटे मियाँ के बारे में। तो दोस्तों, आज हम इस बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक बने रहे। तो आप सभी को बता दूं कि हमारे द्वारा दिखाई गई हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की आने वाली अपकमिंग फिल्म बड़े मियाँ और छोटे मियाँ के बारे में। तो दोस्तों, आज हम इस बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक बने रहे। तो आप सभी को बता दूं कि हमारे द्वारा दिखाई गई जितनी भी खबर होती है वो सब ऑफिशियल वेबसाइट फिल्मी बीट हिंदी के माध्यम से दिखाई जाती है, जिसमें कोई भी झूठ नहीं होता है, सब रियल होता है जो हम अपने दूसरे मोबाइल के जरिए दिखाते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की फिल्म इस वजह से बनी कि बॉलीवुड की सबसे महंगी एक्शन फिल्म दिवाली 2023 पर आएगी। ये 2023 की आने वाली सबसे ज़्यादा बजट वाली फिल्म एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसमें अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ होने वाले हैं। तो इसकी और जानकारी दे तो अली अब्बास जफर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को लेकर एक तो ये बजट बड़े बजट की फिल्म होने वाली है, जिसको अली अब्बास बनाने जा रहे हैं। ये तो हम आपको बता ही चुके, इस फिल्म का नाम बड़े मियाँ और छोटे मियाँ है। ये बड़े मियाँ और छोटे मियाँ हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी एक्शन कॉमेडी फिल्म बनने जा रही है, और जिसका मुख्य कारण है अक्षय कुमार महंगी फीस लेने वाले। माना जा रहा है कि इस एक्शन कॉमेडी का बजट है 300 करोड़ रुपए, जिसका लगभग 50% केवल अक्षय कुमार की फीस है। इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार लगभग 140 से 150 करोड़ की फीस ले सकते हैं।
वहीं दूसरी तरफ टाइगर श्रॉफ भी फिल्म के लिए 35 से 40 करोड़ लेंगे। ये इस फिल्म का ऑफिशियल पोस्टर आप देख लीजिए। तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ का लगभग 7% बजट केवल इन एक्टर की फीस पर जाने वाला है, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर को इससे कोई गुरेज नहीं है। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे वासु बगनानी और जेकी बगनानी की प्रोड्यूस कंपनी रुजा फिल्म्स है। दिवाली पर होगा बड़ा धमाका। गौरतलब है कि अक्षय कुमार वासु बगनानी जेकी बगनानी के साथ वेल बेल बटन के बाद एक और फिल्म की शूटिंग भी पूरी कर चुके हैं, जिसका नाम फिलहाल मिशन सिंड्रेला बताया जा रहा है। इसके अलावा टाइगर श्रॉफ भी पूजा फिल्म के साथ गणपत का पहला शूट कर रहे हैं। बड़े मियां छोटे मियां 2022 के अंदर में फ्लोर पर जाएगी और रिपोर्ट की माने तो अली अब्बास जफर की इस फिल्म दिवाली 2023 पर रिलीज करने का प्लान बताया जा रहा है। अक्षय कुमार इस साल दिवाली पर सूर्यवंशी के साथ धमाका कर चुके हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की आने वाली अपकमिंग फिल्म बड़े मियाँ और छोटे मियाँ के बारे में। तो दोस्तों, आज हम इस बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक बने रहे। तो आप सभी को बता दूं कि हमारे द्वारा दिखाई गई जितनी भी खबर होती है वो सब ऑफिशियल वेबसाइट फिल्मी बीट हिंदी के माध्यम से दिखाई जाती है, जिसमें कोई भी झूठ नहीं होता है, सब रियल होता है जो हम अपने दूसरे मोबाइल के जरिए दिखाते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की फिल्म इस वजह से बनी कि बॉलीवुड की सबसे महंगी एक्शन फिल्म दिवाली 2023 पर आएगी। ये 2023 की आने वाली सबसे ज़्यादा बजट वाली फिल्म एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसमें अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ होने वाले हैं। तो इसकी और जानकारी दे तो अली अब्बास जफर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को लेकर एक तो ये बजट बड़े बजट की फिल्म होने वाली है, जिसको अली अब्बास बनाने जा रहे हैं। ये तो हम आपको बता ही चुके, इस फिल्म का नाम बड़े मियाँ और छोटे मियाँ है। ये बड़े मियाँ और छोटे मियाँ हिंदी सिनेमा की इतिहास की सबसे महंगी एक्शन कॉमेडी फिल्म बनने जा रही है, और जिसका मुख्य कारण है अक्षय कुमार महंगी फीस लेने वाले। माना जा रहा है कि इस एक्शन कॉमेडी का बजट है 300 करोड़ रुपए, जिसका लगभग 50% केवल अक्षय कुमार की फीस है। इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार लगभग 140 से 150 करोड़ की फीस ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ टाइगर श्रॉफ भी फिल्म के लिए 35 से 40 करोड़ लेंगे। ये इस फिल्म का ऑफिशियल पोस्टर आप देख लीजिए। तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ का लगभग 7% बजट केवल इन एक्टर की फीस पर जाने वाला है, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर को इससे कोई गुरेज नहीं है। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे वासु बगनानी और जेकी बगनानी की प्रोड्यूस कंपनी रुजा फिल्म्स है। दिवाली पर होगा बड़ा धमाका। गौरतलब है कि अक्षय कुमार वासु बगनानी जेकी बगनानी के साथ वेल बेल बटन के बाद एक और फिल्म की शूटिंग भी पूरी कर चुके हैं, जिसका नाम फिलहाल मिशन सिंड्रेला बताया जा रहा है। इसके अलावा टाइगर श्रॉफ भी पूजा फिल्म के साथ गणपत का पहला शूट कर रहे हैं। बड़े मियाँ छोटे मियाँ 2022 के अंदर में फ्लोर पर जाएगी और रिपोर्ट की माने तो अली अब्बास जफर की इस फिल्म दिवाली 2023 पर रिलीज करने का प्लान बताया जा रहा है। अक्षय कुमार इस साल दिवाली पर सूर्यवंशी के साथ धमाका कर चुके हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की आने वाली अपकमिंग फिल्म बड़े मियाँ और छोटे मियाँ के बारे में। तो दोस्तों, आज हम इस बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक बने रहे। तो आप सभी को बता दूं कि हमारे द्वारा दिखाई गई जितनी भी खबर होती है वो सब ऑफिशियल वेबसाइट फिल्मी बीट हिंदी के माध्यम से दिखाई जाती है, जिसमें कोई भी झूठ नहीं होता है, सब रियल होता है जो
जो हम अपने दूसरे मोबाइल के जरिए दिखाते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की फिल्म इस वजह से बनी कि बॉलीवुड की सबसे महंगी एक्शन फिल्म दिवाली 2023 पर आएगी। ये 2023 की आने वाली सबसे ज़्यादा बजट वाली फिल्म एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसमें अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ होने वाले हैं। तो इसकी और जानकारी दे तो अली अब्बास जफर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को लेकर एक तो ये बजट बड़े बजट की फिल्म होने वाली है, जिसको अली अब्बास बनाने जा रहे हैं। ये तो हम आपको बता ही चुके, इस फिल्म का नाम बड़े मियां और छोटे मियां है। ये बड़े मियां और छोटे मियां हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी एक्शन कॉमेडी फिल्म बनने जा रही है, और जिसका मुख्य कारण है अक्षय कुमार महंगी फीस लेने वाले। माना जा रहा है कि इस एक्शन कॉमेडी का बजट है 300 करोड़ रुपए, जिसका लगभग 50% केवल अक्षय कुमार की फीस है। इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार लगभग 140 से 150 करोड़ की फीस ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ टाइगर श्रॉफ भी फिल्म के लिए 35 से 40 करोड़ लेंगे। ये इस फिल्म का ऑफिशियल पोस्टर आप देख लीजिए। तो बड़े मियां छोटे मियां का लगभग 7% बजट केवल इन एक्टर की फीस पर जाने वाला है, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर को इससे कोई गुरेज नहीं है। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे वासु बगनानी और जेकी बगनानी की प्रोड्यूस कंपनी रुजा फिल्म्स है। दिवाली पर होगा बड़ा धमाका। गौरतलब है कि अक्षय कुमार वासु बगनानी जेकी बगनानी के साथ बेल बटन के बाद एक और फिल्म की शूटिंग भी पूरी कर चुके हैं, जिसका नाम फिलहाल मिशन सिंड्रेला बताया जा रहा है। इसके अलावा टाइगर श्रॉफ भी सूर्या फिल्म्स के साथ गणपत का पहला शूट कर रहे हैं। बड़े मियां छोटे मियां 2022 के अंदर में फ्लोर पर जाएगी, और रिपोर्ट की माने तो अली अब्बास जफर की इस फिल्म दिवाली 2023 पर रिलीज करने का प्लान बताया जा रहा है। अक्षय कुमार इस साल दिवाली पर सूर्यवंशी के साथ धमाका कर चुके हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की आने वाली अपकमिंग फिल्म बड़े मियां और छोटे मियां के बारे में। तो दोस्तों, आज हम इस बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक बने रहे। तो आप सभी को बता दूं कि हमारे द्वारा दिखाई गई जितनी भी खबर होती है, वो सब ऑफिशियल वेबसाइट फिल्मी बीट हिंदी के माध्यम से दिखाई जाती है, जिसमें कोई भी झूठ नहीं होता है, सब रियल होता है, जो हम अपने दूसरे मोबाइल के जरिए दिखाते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की फिल्म इस वजह से बनी कि बॉलीवुड की सबसे महंगी एक्शन फिल्म दिवाली 2023 पर आएगी। ये 2023 की आने वाली सबसे ज़्यादा बजट वाली फिल्म एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसमें अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ होने वाले हैं। तो इसकी और जानकारी दे तो अली अब्बास जफर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को लेकर एक तो ये बजट बड़े बजट की फिल्म होने वाली है, जिसको अली अब्बास बनाने जा रहे हैं। ये तो हम आपको बता ही चुके, इस फिल्म का नाम बड़े मियां और छोटे मियां है। ये बड़े मियां और छोटे मियां हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी एक्शन कॉमेडी फिल्म बनने जा रही है, और जिसका मुख्य कारण है अक्षय कुमार महंगी फीस लेने वाले। माना जा रहा है कि इस एक्शन कॉमेडी का बजट है 300 करोड़ रुपए, जिसका लगभग 50% केवल अक्षय कुमार की फीस है। इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार लगभग 140 से 150 करोड़ की फीस ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ टाइगर श्रॉफ भी फिल्म के लिए 35 से 40 करोड़ लेंगे। ये इस फिल्म का ऑफिशियल पोस्टर आप देख लीजिए। तो बड़े मियां छोटे मियां का लगभग 7% बजट केवल इन एक्टर की फीस पर जाने वाला है, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर
को इससे कोई गुरेज नहीं है। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे वासु बगनानी और जेकी बगनानी की प्रोड्यूस कंपनी रुजा फिल्म्स है। दिवाली पर होगा बड़ा धमाका। गौरतलब है कि अक्षय कुमार वासु बगनानी जेकी बगनानी के साथ बेल बटन के बाद एक और फिल्म की शूटिंग भी पूरी कर चुके हैं, जिसका नाम फिलहाल मिशन सिंड्रेला बताया जा रहा है। इसके अलावा टाइगर श्रॉफ भी सुरजा फिल्म के साथ गणपत का पहला शूट कर रहे हैं। बड़ी मियां छोटी मियां 2022 के अंदर में फ्लोर पर जाएगी। और रिपोर्ट की माने तो अली अब्बास जफर की इस फिल्म दिवाली 2023 पर रिलीज करने का प्लान बताया जा रहा है। अक्षय कुमार इस साल दिवाली पर सूर्यवंशी के साथ धमाका कर चुके हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की आने वाली अपकमिंग फिल्म बड़े मियाँ और छोटे मियाँ के बारे में। तो दोस्तों, आज हम इस बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक बने रहे। तो आप सभी को बता दूं कि हमारे द्वारा दिखाई गई जितनी भी खबर होती है वो सब ऑफिशियल वेबसाइट फिल्मी गेट हिंदी के माध्यम से दिखाई जाती है, जिसमें कोई भी झूठ नहीं होता है, सब रियल होता है, जो हम अपने दूसरे मोबाइल के जरिए दिखाते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की फिल्म इस वजह से बनी कि बॉलीवुड की सबसे महंगी एक्शन फिल्म दिवाली 2023 पर आएगी। ये 2023 की आने वाली सबसे ज्यादा बजट वाली फिल्म एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसमें अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ होने वाले हैं। तो इसकी और जानकारी दे तो अली अब्बास जफर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को लेकर एक तो ये बजट बड़े बजट की फिल्म होने वाली है, जिसको अली अब्बास बनाने जा रहे हैं। ये तो हम आपको बता ही चुके हैं, इस फिल्म का नाम बड़े मियाँ और छोटे मियाँ है। ये बड़े मियाँ और छोटे मियाँ हिंदी सिनेमा की इतिहास की सबसे महंगी एक्शन कॉमेडी फिल्म बनने जा रही है, और जिसका मुख्य कारण है अक्षय कुमार महंगी फीस लेने वाले। माना जा रहा है कि इस एक्शन कॉमेडी का बजट है 300 करोड़ रुपए, जिसका लगभग 50% केवल अक्षय कुमार की फीस है। इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार लगभग 140 से 150 करोड़ की फीस ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ टाइगर श्रॉफ भी फिल्म के लिए 35 से 40 करोड़ लेंगे। ये इस फिल्म का ऑफिशियल पोस्टर आप देख लीजिए। तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ का लगभग 7% बजट केवल इन एक्टर की फीस पर जाने वाला है, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर को इससे कोई गुरेज नहीं है। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे वासु बगनानी और जेकी बगनानी की प्रोड्यूस कंपनी रुजा फिल्म्स है। दिवाली पर होगा बड़ा धमाका। गौरतलब है कि अक्षय कुमार वासु बगनानी जेकी बगनानी के साथ बेल बटन के बाद एक और फिल्म की शूटिंग भी पूरी कर चुके हैं, जिसका नाम फिलहाल मिशन सिंड्रेला बताया जा रहा है। इसके अलावा टाइगर श्रॉफ भी सुरजा फिल्म के साथ गणपत का पहला शूट कर रहे हैं। बड़ी मियां छोटी मियां 2022 के अंदर में फ्लोर पर जाएगी। और रिपोर्ट की माने तो अली अब्बास जफर की इस फिल्म दिवाली 2023 पर रिलीज करने का प्लान बताया जा रहा है। अक्षय कुमार इस साल दिवाली पर सूर्यवंशी के साथ धमाका कर चुके हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की आने वाली अपकमिंग फिल्म बड़े मियाँ और छोटे मियाँ के बारे में। तो दोस्तों, आज हम इस बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक बने रहे। तो आप सभी को बता दूं कि हमारे द्वारा दिखाई गई जितनी भी खबर होती है वो सब ऑफिशियल वेबसाइट फिल्मी गेट हिंदी के माध्यम से दिखाई जाती है, जिसमें कोई भी झूठ नहीं होता है, सब रियल होता है, जो हम अपने दूसरे मोबाइल के जरिए दिखाते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की फिल्म इस वजह से बनी कि बॉलीवुड की सबसे महंगी एक्शन फिल्म दिवाली 2023 पर आएगी। ये 2023 की आने वाली सबसे ज्यादा
बजट वाली फिल्म एक्शन फिल्म होने वाली है जिसमें अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ होने वाले हैं। तो इसकी और जानकारी दे तो अली अब्बास जफर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को लेकर एक तो ये बजट बड़े बजट की फिल्म होने वाली है जिसको अली अब्बास बनाने जा रहे हैं। ये तो हम आपको बता ही चुके हैं, इस फिल्म का नाम बड़े मियाँ और छोटे मियाँ है। ये बड़े मियाँ और छोटे मियाँ हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी एक्शन कॉमेडी फिल्म बनने जा रही है और जिसका मुख्य कारण है अक्षय कुमार महंगी फीस लेने वाले। माना जा रहा है कि इस एक्शन कॉमेडी का बजट है 300 करोड़ रुपए, जिसका लगभग 50% केवल अक्षय कुमार की फीस है। इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार लगभग 140 से 150 करोड़ की फीस ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ टाइगर श्रॉफ भी फिल्म के लिए 35 से 40 करोड़ लेंगे। ये इस फिल्म का ऑफिशियल पोस्टर आप देख लीजिए। तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ का लगभग 7% बजट केवल इन एक्टर की फीस पर जाने वाला है, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर को इससे कोई गुरेज नहीं है। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं वासु बगनानी और जेकी बगनानी की प्रोड्यूस कंपनी रुजा फिल्म्स है। दिवाली पर होगा बड़ा धमाका। गौरतलब है कि अक्षय कुमार वासु बगनानी जेकी बगनानी के साथ बेल बटन के बाद एक और फिल्म की शूटिंग भी पूरी कर चुके हैं, जिसका नाम फिलहाल मिशन सिंड्रेला बताया जा रहा है। इसके अलावा टाइगर श्रॉफ भी पूजा फिल्म के साथ गणपत का पहला शूट कर रहे हैं। बड़े मियां छोटे मियां 2022 के अंदर में फ्लोर पर जाएगी और रिपोर्ट की माने तो अली अब्बास जफर की इस फिल्म दिवाली 2023 पर रिलीज करने का प्लान बताया जा रहा है। अक्षय कुमार इस साल दिवाली पर सूर्यवंशी के साथ धमाका कर चुके हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की आने वाली अपकमिंग फिल्म बड़े मियाँ और छोटे मियाँ के बारे में। तो दोस्तों, आज हम इस बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक बने रहे। तो आप सभी को बता दूं कि हमारे द्वारा दिखाई गई जितनी भी खबर होती है वो सब ऑफिशियल वेबसाइट फिल्मी गेट हिंदी के माध्यम से दिखाई जाती है, जिसमें कोई भी झूठ नहीं होता है, सब रियल होता है जो हम अपने दूसरे मोबाइल के जरिए दिखाते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की फिल्म इस वजह से बनी कि बॉलीवुड की सबसे महंगी एक्शन फिल्म दिवाली 2023 पर आएगी। ये 2023 की आने वाली सबसे ज्यादा बजट वाली फिल्म एक्शन फिल्म होने वाली है जिसमें अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ होने वाले हैं। तो इसकी और जानकारी दे तो अली अब्बास जफर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को लेकर एक तो ये बजट बड़े बजट की फिल्म होने वाली है जिसको अली अब्बास बनाने जा रहे हैं। ये तो हम आपको बता ही चुके हैं, इस फिल्म का नाम बड़े मियाँ और छोटे मियाँ है। ये बड़े मियाँ और छोटे मियाँ हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी एक्शन कॉमेडी फिल्म बनने जा रही है और जिसका मुख्य कारण है अक्षय कुमार महंगी फीस लेने वाले। माना जा रहा है कि इस एक्शन कॉमेडी का बजट है 300 करोड़ रुपए, जिसका लगभग 50% केवल अक्षय कुमार की फीस है। इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार लगभग 140 से 150 करोड़ की फीस ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ टाइगर श्रॉफ भी फिल्म के लिए 35 से 40 करोड़ लेंगे। ये इस फिल्म का ऑफिशियल पोस्टर आप देख लीजिए। तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ का लगभग 7% बजट केवल इन एक्टर की फीस पर जाने वाला है, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर को इससे कोई गुरेज नहीं है। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं वासु बगनानी और जेकी बगनानी की प्रोड्यूस कंपनी रुजा फिल्म्स है। दिवाली पर होगा बड़ा धमाका। गौरतलब है कि अक्षय कुमार वासु बगनानी जेकी बगनानी के साथ
बेल बटन के बाद एक और फिल्म की शूटिंग भी पूरी कर चुके हैं, जिसका नाम फिलहाल मिशन सिंड्रेला बताया जा रहा है। इसके अलावा टाइगर श्रॉफ भी पूजा फिल्म्स के साथ गणपत का पहला शूट कर रहे हैं। बड़ी मियां छोटी मियां 2022 के अंदर में फ्लोर पर जाएगी, और रिपोर्ट की माने तो अली अब्बास जफर की इस फिल्म दिवाली 2023 पर रिलीज करने का प्लान बताया जा रहा है। अक्षय कुमार इस साल दिवाली पर सूर्यवंशी के साथ धमाका कर चुके हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की आने वाली अपकमिंग फिल्म बड़े मियाँ और छोटे मियाँ के बारे में। तो दोस्तों, आज हम इस बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक बने रहे। तो आप सभी को बता दूं कि हमारे द्वारा दिखाई गई जितनी भी खबर होती है वो सब ऑफिशियल वेबसाइट फिल्मी गेट हिंदी के माध्यम से दिखाई जाती है, जिसमें कोई भी झूठ नहीं होता है, सब रियल होता है जो हम अपने दूसरे मोबाइल के जरिए दिखाते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की फिल्म इस वजह से बनी कि बॉलीवुड की सबसे महंगी एक्शन फिल्म दिवाली 2023 पर आएगी। ये 2023 की आने वाली सबसे ज्यादा बजट वाली फिल्म एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसमें अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ होने वाले हैं। तो इसकी और जानकारी दे तो अली अब्बास जफर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को लेकर एक तो ये बजट बड़े बजट की फिल्म होने वाली है, जिसको अली अब्बास बनाने जा रहे हैं। ये तो हम आपको बता ही चुके, इस फिल्म का नाम बड़े मियाँ और छोटे मियाँ है। ये बड़े मियाँ और छोटे मियाँ हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी एक्शन कॉमेडी फिल्म बनने जा रही है, और जिसका मुख्य कारण है अक्षय कुमार महंगी फीस लेने वाले। माना जा रहा है कि इस एक्शन कॉमेडी का बजट है 300 करोड़ रुपए, जिसका लगभग 50% केवल अक्षय कुमार की फीस है। इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार लगभग 140 से 150 करोड़ की फीस ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ टाइगर श्रॉफ भी फिल्म के लिए 35 से 40 करोड़ लेंगे। ये इस फिल्म का ऑफिशियल पोस्टर आप देख लीजिए। तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ का लगभग 60% बजट केवल इन एक्टर की फीस पर जाने वाला है, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर को इससे कोई गुरेज नहीं है। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं वासु बगनानी और जेकी बगनानी की प्रोड्यूस कंपनी रुजा फिल्म्स है। दिवाली पर होगा बड़ा धमाका। गौरतलब है कि अक्षय कुमार वासु बगनानी जैकी बगनानी के साथ बेल बटन के बाद एक और फिल्म की शूटिंग भी पूरी कर चुके हैं, जिसका नाम फिलहाल मिशन सिंड्रेला बताया जा रहा है। इसके अलावा टाइगर श्रॉफ भी पूजा फिल्म्स के साथ गणपत का पहला शूट कर रहे हैं। बड़ी मियां छोटी मियां 2022 के अंदर में फ्लोर पर जाएगी, और रिपोर्ट की माने तो अली अब्बास जफर की इस फिल्म दिवाली 2023 पर रिलीज करने का प्लान बताया जा रहा है। अक्षय कुमार इस साल दिवाली पर सूर्यवंशी के साथ धमाका कर चुके हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की आने वाली अपकमिंग फिल्म बड़े मियाँ और छोटे मियाँ के बारे में। तो दोस्तों, आज हम इस बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक बने रहे। तो आप सभी को बता दूं कि हमारे द्वारा दिखाई गई जितनी भी खबर होती है वो सब ऑफिशियल वेबसाइट फिल्मी गेट हिंदी के माध्यम से दिखाई जाती है, जिसमें कोई भी झूठ नहीं होता है, सब रियल होता है जो हम अपने दूसरे मोबाइल के जरिए दिखाते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की फिल्म इस वजह से बनी कि बॉलीवुड की सबसे महंगी एक्शन फिल्म दिवाली 2023 पर आएगी। ये 2023 की आने वाली सबसे ज्यादा बजट वाली फिल्म एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसमें अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ होने वाले हैं। तो इसकी और जानकारी दे तो अली अब्बास जफर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को लेकर एक तो ये बजट बड़े बजट की फिल्म होने वाली है, जिसको
अली अब्बास बनाने जा रहे हैं। ये तो हम आपको बता ही चुके, इस फिल्म का नाम बड़े मियाँ और छोटे मियाँ है। ये बड़े मियाँ और छोटे मियाँ हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी एक्शन कॉमेडी फिल्म बनने जा रही है, और जिसका मुख्य कारण है अक्षय कुमार महंगी फीस लेने वाले। माना जा रहा है कि इस एक्शन कॉमेडी का बजट है 300 करोड़ रुपए, जिसका लगभग 50% केवल अक्षय कुमार की फीस है। इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार लगभग 140 से 150 करोड़ की फीस ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ टाइगर श्रॉफ भी फिल्म के लिए 35 से 40 करोड़ लेंगे। ये इस फिल्म का ऑफिशियल पोस्टर है, आप देख लीजिए। तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ का लगभग 7% बजट केवल इन एक्टर की फीस पर जाने वाला है, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर को इससे कोई गुरेज नहीं है। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं वासु बगनानी और जैकी बगनानी की प्रोड्यूस कंपनी रुजा फिल्म्स है। दिवाली पर होगा बड़ा धमाका। गौरतलब है कि अक्षय कुमार वासु बगनानी जैकी बगनानी के साथ बेल बटन के बाद एक और फिल्म की शूटिंग भी पूरी कर चुके हैं, जिसका नाम फिलहाल मिशन सिंड्रेला बताया जा रहा है। इसके अलावा टाइगर श्रॉफ भी पूजा फिल्म्स के साथ गणपत का पहला शूट कर रहे हैं। बड़े मियां छोटे मियां 2022 के अंदर में फ्लोर पर जाएगी, और रिपोर्ट की माने तो अली अब्बास जफर की इस फिल्म दिवाली 2023 पर रिलीज करने का प्लान बताया जा रहा है। अक्षय कुमार इस साल दिवाली पर सूर्यवंशी के साथ धमाका कर चुके हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की आने वाली अपकमिंग फिल्म बड़े मियाँ और छोटे मियाँ के बारे में। तो दोस्तों, आज हम इस बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक बने रहे। तो आप सभी को बता दूं कि हमारे द्वारा दिखाई गई जितनी भी खबर होती है वो सब ऑफिशियल वेबसाइट फिल्मी गेट हिंदी के माध्यम से दिखाई जाती है, जिसमें कोई भी झूठ नहीं होता है, सब रियल होता है, जो हम अपने दूसरे मोबाइल के जरिए दिखाते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की फिल्म इस वजह से बनी कि बॉलीवुड की सबसे महंगी एक्शन फिल्म दिवाली 2023 पर आएगी। ये 2023 की आने वाली सबसे ज्यादा बजट वाली फिल्म एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसमें अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ होने वाले हैं। तो इसकी और जानकारी दे तो अली अब्बास जफर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को लेकर एक तो ये बजट बड़े बजट की फिल्म होने वाली है, जिसको अली अब्बास बनाने जा रहे हैं। ये तो हम आपको बता ही चुके, इस फिल्म का नाम बड़े मियाँ और छोटे मियाँ है। ये बड़े मियाँ और छोटे मियाँ हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी एक्शन कॉमेडी फिल्म बनने जा रही है, और जिसका मुख्य कारण है अक्षय कुमार महंगी फीस लेने वाले। माना जा रहा है कि इस एक्शन कॉमेडी का बजट है 300 करोड़ रुपए, जिसका लगभग 50% केवल अक्षय कुमार की फीस है। इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार लगभग 140 से 150 करोड़ की फीस ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ टाइगर श्रॉफ भी फिल्म के लिए 35 से 40 करोड़ लेंगे। ये इस फिल्म का ऑफिशियल पोस्टर है, आप देख लीजिए। तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ का लगभग 7% बजट केवल इन एक्टर की फीस पर जाने वाला है, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर को इससे कोई गुरेज नहीं है। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं वासु बगनानी और जेकी बगनानी की प्रोड्यूस कंपनी रुजा फिल्म्स है। दिवाली पर होगा बड़ा धमाका। गौरतलब है कि अक्षय कुमार वासु बगनानी जैकी बगनानी के साथ बेल बटन के बाद एक और फिल्म की शूटिंग भी पूरी कर चुके हैं, जिसका नाम फिलहाल मिशन सिंड्रेला बताया जा रहा है। इसके अलावा टाइगर श्रॉफ भी पूजा फिल्म्स के साथ गणपत का पहला शूट कर रहे हैं। बड़े मियाँ छोटे मियाँ 2022 के अंदर में फ्लोर पर जाएगी, और रिपोर्ट की माने तो अली अब्बास
जफर की फिल्म दिवाली 2023 पर रिलीज करने का प्लान बताया जा रहा है। अक्षय कुमार इस साल दिवाली पर सूर्यवंशी के साथ धमाका कर चुके हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की आने वाली अपकमिंग फिल्म बड़े मियाँ और छोटे मियाँ के बारे में। तो दोस्तों, आज हम इस बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक बने रहे। तो आप सभी को बता दूं कि हमारे द्वारा दिखाई गई जितनी भी खबर होती है वो सब ऑफिशियल वेबसाइट फिल्मी गेट हिंदी के माध्यम से दिखाई जाती है, जिसमें कोई भी झूठ नहीं होता है, सब रियल होता है जो हम अपने दूसरे मोबाइल के जरिए दिखाते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की फिल्म इस वजह से बनी कि बॉलीवुड की सबसे महंगी एक्शन फिल्म दिवाली 2023 पर आएगी। ये 2023 की आने वाली सबसे ज़्यादा बजट वाली फिल्म एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसमें अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ होने वाले हैं। तो इसकी और जानकारी दे तो अली अब्बास जफर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को लेकर एक तो ये बजट बड़े बजट की फिल्म होने वाली है जिसको अली अब्बास बनाने जा रहे हैं। ये तो हम आपको बता ही चुके, इस फिल्म का नाम बड़े मियाँ और छोटे मियाँ है। ये बड़े मियाँ और छोटे मियाँ हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी एक्शन कॉमेडी फिल्म बनने जा रही है, और जिसका मुख्य कारण है अक्षय कुमार महंगी फीस लेने वाले। माना जा रहा है कि इस एक्शन कॉमेडी का बजट है 300 करोड़ रुपए, जिसका लगभग 50% केवल अक्षय कुमार की फीस है। इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार लगभग 140 से 150 करोड़ की फीस ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ टाइगर श्रॉफ भी फिल्म के लिए 35 से 40 करोड़ लेंगे। ये इस फिल्म का ऑफिशियल पोस्टर आप देख लीजिए। तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ का लगभग 7% बजट केवल इन एक्टर की फीस पर जाने वाला है, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर को इससे कोई गुरेज नहीं है। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे वासु बगनानी और जेकी बगनानी की प्रोड्यूस कंपनी रुजा फिल्म्स है। दिवाली पर होगा बड़ा धमाका। गौरतलब है कि अक्षय कुमार वासु बगनानी जेकी बगनानी के साथ बेल बटन के बाद एक और फिल्म की शूटिंग भी पूरी कर चुके हैं, जिसका नाम फिलहाल मिशन सिंड्रेला बताया जा रहा है। इसके अलावा टाइगर श्रॉफ भी पूजा फिल्म के साथ गणपत का पहला शूट कर रहे हैं। बड़ी मियाँ छोटी मियाँ 2022 के अंदर में फ्लोर पर जाएगी, और रिपोर्ट की माने तो अली अब्बास जफर की इस फिल्म दिवाली 2023 पर रिलीज करने का प्लान बताया जा रहा है। अक्षय कुमार इस साल दिवाली पर सूर्यवंशी के साथ धमाका कर चुके हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की आने वाली अपकमिंग फिल्म बड़े मियाँ और छोटे मियाँ के बारे में। तो दोस्तों, आज हम इस बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक बने रहे। तो आप सभी को बता दूं कि हमारे द्वारा दिखाई गई जितनी भी खबर होती है वो सब ऑफिशियल वेबसाइट फिल्मी गेट हिंदी के माध्यम से दिखाई जाती है, जिसमें कोई भी झूठ नहीं होता है, सब रियल होता है जो हम अपने दूसरे मोबाइल के जरिए दिखाते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की फिल्म इस वजह से बनी कि बॉलीवुड की सबसे महंगी एक्शन फिल्म दिवाली 2023 पर आएगी। ये 2023 की आने वाली सबसे ज़्यादा बजट वाली फिल्म एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसमें अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ होने वाले हैं। तो इसकी और जानकारी दे तो अली अब्बास जफर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को लेकर एक तो ये बजट बड़े बजट की फिल्म होने वाली है जिसको अली अब्बास बनाने जा रहे हैं। ये तो हम आपको बता ही चुके, इस फिल्म का नाम बड़े मियाँ और छोटे मियाँ है। ये बड़े मियाँ और छोटे मियाँ हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी एक्शन कॉमेडी फिल्म बनने जा रही है, और जिसका मुख्य कारण है अक्षय कुमार
बैंक की फीस लेने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस एक्शन कॉमेडी का बजट है 300 करोड़ रुपए, जिसका लगभग 50% केवल अक्षय कुमार की फीस है। इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार लगभग 140 से 150 करोड़ की फीस ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ टाइगर श्रॉफ भी फिल्म के लिए 35 से 40 करोड़ लेंगे। ये इस फिल्म का ऑफिशियल पोस्टर आप देख लीजिए। तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ का लगभग 7% बजट केवल इन एक्टर की फीस पर जाने वाला है, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर को इससे कोई गुरेज नहीं है। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं वासु बगनानी और जैकी बगनानी की प्रोड्यूस कंपनी रुजा फिल्म्स है। दिवाली पर होगा बड़ा धमाका। गौरतलब है कि अक्षय कुमार वासु बगनानी जैकी बगनानी के साथ बेल बटन के बाद एक और फिल्म की शूटिंग भी पूरी कर चुके हैं, जिसका नाम फिलहाल मिशन सिंड्रेला बताया जा रहा है। इसके अलावा टाइगर श्रॉफ भी पूजा फिल्म्स के साथ गणपत का पहला शूट कर रहे हैं। बड़े मियां छोटे मियां 2022 के अंदर में फ्लोर पर जाएगी। और रिपोर्ट की माने तो अली अब्बास जफर की इस फिल्म दिवाली 2023 पर रिलीज करने का प्लान बताया जा रहा है। अक्षय कुमार इस साल दिवाली पर सूर्यवंशी के साथ धमाका कर चुके हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की आने वाली अपकमिंग फिल्म बड़े मियाँ और छोटे मियाँ के बारे में। तो दोस्तों, आज हम इस बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक बने रहे। तो आप सभी को बता दूं कि हमारे द्वारा दिखाई गई जितनी भी खबर होती है वो सब ऑफिशियल वेबसाइट फिल्मी गेट हिंदी के माध्यम से दिखाई जाती है, जिसमें कोई भी झूठ नहीं होता है, सब रियल होता है, जो हम अपने दूसरे मोबाइल के जरिए दिखाते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की फिल्म इस वजह से बनी कि बॉलीवुड की सबसे महंगी एक्शन फिल्म दिवाली 2023 पर आएगी। ये 2023 की आने वाली सबसे ज़्यादा बजट वाली फिल्म एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसमें अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ होने वाले हैं। तो इसकी और जानकारी दे तो अली अब्बास जफर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को लेकर एक तो ये बजट बड़े बजट की फिल्म होने वाली है, जिसको अली अब्बास बनाने जा रहे हैं। ये तो हम आपको बता ही चुके, इस फिल्म का नाम बड़े मियाँ और छोटे मियाँ है। ये बड़े मियाँ और छोटे मियाँ हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी एक्शन कॉमेडी फिल्म बनने जा रही है, और जिसका मुख्य कारण है अक्षय कुमार मैंक की फीस लेने वाले। माना जा रहा है कि इस एक्शन कॉमेडी का बजट है 300 करोड़ रुपए, जिसका लगभग 50% केवल अक्षय कुमार की फीस है। इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार लगभग 140 से 150 करोड़ की फीस ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ टाइगर श्रॉफ भी फिल्म के लिए 35 से 40 करोड़ लेंगे। ये इस फिल्म का ऑफिशियल पोस्टर आप देख लीजिए। तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ का लगभग 7% बजट केवल इन एक्टर की फीस पर जाने वाला है, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर को इससे कोई गुरेज नहीं है। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं वासु बगनानी और जैकी बगनानी की प्रोड्यूस कंपनी रुजा फिल्म्स है। दिवाली पर होगा बड़ा धमाका। गौरतलब है कि अक्षय कुमार वासु बगनानी जैकी बगनानी के साथ बेल बटन के बाद एक और फिल्म की शूटिंग भी पूरी कर चुके हैं, जिसका नाम फिलहाल मिशन सिंड्रेला बताया जा रहा है। इसके अलावा टाइगर श्रॉफ भी पूजा फिल्म्स के साथ गणपत का पहला शूट कर रहे हैं। बड़े मियाँ छोटे मियाँ 2022 के अंदर में फ्लोर पर जाएगी। और रिपोर्ट की माने तो अली अब्बास जफर की इस फिल्म दिवाली 2023 पर रिलीज करने का प्लान बताया जा रहा है। अक्षय कुमार इस साल दिवाली पर सूर्यवंशी के साथ धमाका कर चुके हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की आने वाली अपकमिंग फिल्म बड़े मियाँ और छोटे मियाँ के बारे में। तो दोस्तों, आज हम इस बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं।
तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक बने रहे। तो आप सभी को बता दूं कि हमारे द्वारा दिखाई गई जितनी भी खबर होती है वो सब ऑफिशियल वेबसाइट फिल्मी गेट हिंदी के माध्यम से दिखाई जाती है, जिसमें कोई भी झूठ नहीं होता है, सब रियल होता है जो हम अपने दूसरे मोबाइल के जरिए दिखाते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की फिल्म इस वजह से बनी कि बॉलीवुड की सबसे महंगी एक्शन फिल्म दिवाली 2023 पर आएगी। ये 2023 की आने वाली सबसे ज्यादा बजट वाली फिल्म एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसमें अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ होने वाले हैं। तो इसकी और जानकारी दे तो अली अब्बास जफर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को लेकर एक तो ये बजट बड़े बजट की फिल्म होने वाली है जिसको अली अब्बास बनाने जा रहे हैं। ये तो हम आपको बता ही चुके, इस फिल्म का नाम बड़े मियाँ और छोटे मियाँ है। ये बड़े मियाँ और छोटे मियाँ हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी एक्शन कॉमेडी फिल्म बनने जा रही है, और जिसका मुख्य कारण है अक्षय कुमार महंगी फीस लेने वाले। माना जा रहा है कि इस एक्शन कॉमेडी का बजट है 300 करोड़ रुपए, जिसका लगभग 50% केवल अक्षय कुमार की फीस है। इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार लगभग 140 से 150 करोड़ की फीस ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ टाइगर श्रॉफ भी फिल्म के लिए 35 से 40 करोड़ लेंगे। ये इस फिल्म का ऑफिशियल पोस्टर आप देख लीजिए। तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ का लगभग 7% बजट केवल इन एक्टर की फीस पर जाने वाला है, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर को इससे कोई गुरेज नहीं है। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं वासु बगनानी और जैकी बगनानी की प्रोड्यूस कंपनी रुजा फिल्म्स है। दिवाली पर होगा बड़ा धमाका। गौरतलब है कि अक्षय कुमार वासु बगनानी जैकी बगनानी के साथ बेल बटन के बाद एक और फिल्म की शूटिंग भी पूरी कर चुके हैं, जिसका नाम फिलहाल मिशन सिंड्रेला बताया जा रहा है। इसके अलावा टाइगर श्रॉफ भी पूजा फिल्म्स के साथ गणपत का पहला शूट कर रहे हैं। बड़े मियां छोटे मियां 2022 के अंदर में फ्लोर पर जाएगी, और रिपोर्ट की माने तो अली अब्बास जफर की इस फिल्म दिवाली 2023 पर रिलीज करने का प्लान बताया जा रहा है। अक्षय कुमार इस साल दिवाली पर सूर्यवंशी के साथ धमाका कर चुके हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की आने वाली अपकमिंग फिल्म बड़े मियाँ और छोटे मियाँ के बारे में। तो दोस्तों आज हम इस बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक बने रहे। तो आप सभी को बता दूं कि हमारे द्वारा दिखाई गई जितनी भी खबर होती है वो सब ऑफिशियल वेबसाइट फिल्मी गेट हिंदी के माध्यम से दिखाई जाती है, जिसमें कोई भी झूठ नहीं होता है, सब रियल होता है जो हम अपने दूसरे मोबाइल के जरिए दिखाते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की फिल्म इस वजह से बनी कि बॉलीवुड की सबसे महंगी एक्शन फिल्म दिवाली 2023 पर आएगी। ये 2023 की आने वाली सबसे ज्यादा बजट वाली फिल्म एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसमें अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ होने वाले हैं। तो इसकी और जानकारी दे तो अली अब्बास जफर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को लेकर एक तो ये बजट बड़े बजट की फिल्म होने वाली है, जिसको अली अब्बास बनाने जा रहे हैं। ये तो हम आपको बता ही चुके, इस फिल्म का नाम बड़े मियाँ और छोटे मियाँ है। ये बड़े मियाँ और छोटे मियाँ हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी एक्शन कॉमेडी फिल्म बनने जा रही है, और जिसका मुख्य कारण है अक्षय कुमार महंगी फीस लेने वाले। माना जा रहा है कि इस एक्शन कॉमेडी का बजट है 300 करोड़ रुपए, जिसका लगभग 50% केवल अक्षय कुमार की फीस है। इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार लगभग 140 से 150 करोड़ की फीस ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ टाइगर श्रॉफ भी फिल्म के लिए 35 से 40 करोड़ लेंगे।
ये इस फिल्म का ऑफिशियल पोस्टर आप देख लीजिए। तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ का लगभग 7% बजट केवल इन एक्टर की फीस पर जाने वाला है, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर को इससे कोई गुरेज नहीं है। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं वासु बगनानी और जेकी बगनानी की प्रोड्यूस कंपनी रूजा फिल्म्स है। दिवाली पर होगा बड़ा धमाका। गौरतलब है कि अक्षय कुमार वासु बगनानी जेकी बगनानी के साथ बेल बटन के बाद एक और फिल्म की शूटिंग भी पूरी कर चुके हैं, जिसका नाम फिलहाल मिशन सिंड्रेला बताया जा रहा है। इसके अलावा टाइगर श्रॉफ भी पूजा फिल्म के साथ गणपत का पहला शूट कर रहे हैं। बड़े मियां छोटे मियां 2022 के अंदर में फ्लोर पर जाएगी और रिपोर्ट की माने तो अली अब्बास जफर की इस फिल्म दिवाली 2023 पर रिलीज करने का प्लान बताया जा रहा है। अक्षय कुमार इस साल दिवाली पर सूर्यवंशी के साथ धमाका कर चुके हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की आने वाली अपकमिंग फिल्म बड़े मियाँ और छोटे मियाँ के बारे में। तो दोस्तों, आज हम इस बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक बने रहे। तो आप सभी को बता दूं कि हमारे द्वारा दिखाई गई जितनी भी खबर होती है वो सब ऑफिशियल वेबसाइट फिल्मी बीट हिंदी के माध्यम से दिखाई जाती है, जिसमें कोई भी झूठ नहीं होता है, सब रियल होता है जो हम अपने दूसरे मोबाइल के जरिए दिखाते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की फिल्म इस वजह से बनी कि बॉलीवुड की सबसे महंगी एक्शन फिल्म दिवाली 2023 पर आएगी। ये 2023 की आने वाली सबसे ज़्यादा बजट वाली फिल्म एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसमें अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ होने वाले हैं। तो इसकी और जानकारी दे तो अली अब्बास जफर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को लेकर एक तो ये बजट बड़े बजट की फिल्म होने वाली है, जिसको अली अब्बास बनाने जा रहे हैं। ये तो हम आपको बता ही चुके, इस फिल्म का नाम बड़े मियाँ और छोटे मियाँ है। ये बड़े मियाँ और छोटे मियाँ हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी एक्शन कॉमेडी फिल्म बनने जा रही है, और जिसका मुख्य कारण है अक्षय कुमार महंगी फीस लेने वाले। माना जा रहा है कि इस एक्शन कॉमेडी का बजट है 300 करोड़ रुपए, जिसका लगभग 50% केवल अक्षय कुमार की फीस है। इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार लगभग 140 से 150 करोड़ की फीस ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ टाइगर श्रॉफ भी फिल्म के लिए 35 से 40 करोड़ लेंगे। ये इस फिल्म का ऑफिशियल पोस्टर आप देख लीजिए। तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ का लगभग 7% बजट केवल इन एक्टर की फीस पर जाने वाला है, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर को इससे कोई गुरेज नहीं है। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं वासु बगनानी और जेकी बगनानी की प्रोड्यूस कंपनी रूजा फिल्म्स है। दिवाली पर होगा बड़ा धमाका। गौरतलब है कि अक्षय कुमार वासु बगनानी जेकी बगनानी के साथ बेल बटन के बाद एक और फिल्म की शूटिंग भी पूरी कर चुके हैं, जिसका नाम फिलहाल मिशन सिंड्रेला बताया जा रहा है। इसके अलावा टाइगर श्रॉफ भी पूजा फिल्म के साथ गणपत का पहला शूट कर रहे हैं। बड़े मियाँ छोटे मियाँ 2022 के अंदर में फ्लोर पर जाएगी और रिपोर्ट की माने तो अली अब्बास जफर की इस फिल्म दिवाली 2023 पर रिलीज करने का प्लान बताया जा रहा है। अक्षय कुमार इस साल दिवाली पर सूर्यवंशी के साथ धमाका कर चुके हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की आने वाली अपकमिंग फिल्म बड़े मियाँ और छोटे मियाँ के बारे में। तो दोस्तों, आज हम इस बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक बने रहे। तो आप सभी को बता दूं कि हमारे द्वारा दिखाई गई जितनी भी खबर होती है वो सब ऑफिशियल वेबसाइट फिल्मी बीट हिंदी के माध्यम से दिखाई जाती है, जिसमें कोई भी झूठ नहीं होता है, सब रियल होता है जो हम अपने दूसरे मोबाइल के जरिए दिखाते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं।
अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की फिल्म इस वजह से बनी कि बॉलीवुड की सबसे महंगी एक्शन फिल्म दिवाली 2023 पर आएगी। ये 2023 की आने वाली सबसे ज्यादा बजट वाली फिल्म एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसमें अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ होने वाले हैं। तो इसकी और जानकारी दे तो अली अब्बास जफर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को लेकर एक तो ये बजट बड़े बजट की फिल्म होने वाली है, जिसको अली अब्बास बनाने जा रहे हैं। ये तो हम आपको बता ही चुके, इस फिल्म का नाम बड़े मियाँ और छोटे मियाँ है। ये बड़े मियाँ और छोटे मियाँ हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी एक्शन कॉमेडी फिल्म बनने जा रही है, और जिसका मुख्य कारण है अक्षय कुमार महंगी फीस लेने वाले। माना जा रहा है कि इस एक्शन कॉमेडी का बजट है 300 करोड़ रुपए, जिसका लगभग 50% केवल अक्षय कुमार की फीस है। इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार लगभग 140 से 150 करोड़ की फीस ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ टाइगर श्रॉफ भी फिल्म के लिए 35 से 40 करोड़ लेंगे। ये इस फिल्म का ऑफिशियल पोस्टर आप देख लीजिए। तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ का लगभग 7% बजट केवल इन एक्टर की फीस पर जाने वाला है, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर को इससे कोई गुरेज नहीं है। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं वासु बगनानी और जेकी बगनानी की प्रोड्यूस कंपनी रुजा फिल्म्स है। दिवाली पर होगा बड़ा धमाका। गौरतलब है कि अक्षय कुमार वासु बगनानी जेकी बगनानी के साथ बेल बटन के बाद एक और फिल्म की शूटिंग भी पूरी कर चुके हैं, जिसका नाम फिलहाल मिशन सिंड्रेला बताया जा रहा है। इसके अलावा टाइगर श्रॉफ भी पूजा फिल्म्स के साथ गणपत का पहला शूट कर रहे हैं। बड़े मियां छोटे मियां 2022 के अंदर में फ्लोर पर जाएगी, और रिपोर्ट की माने तो अली अब्बास जफर की इस फिल्म दिवाली 2023 पर रिलीज करने का प्लान बताया जा रहा है। अक्षय कुमार इस साल दिवाली पर सूर्यवंशी के साथ धमाका कर चुके हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की आने वाली अपकमिंग फिल्म बड़े मियाँ और छोटे मियाँ के बारे में। तो दोस्तों, आज हम इस बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक बने रहे। तो आप सभी को बता दूं कि हमारे द्वारा दिखाई गई जितनी भी खबर होती है वो सब ऑफिशियल वेबसाइट फिल्मी गेट हिंदी के माध्यम से दिखाई जाती है, जिसमें कोई भी झूठ नहीं होता है, सब रियल होता है, जो हम अपने दूसरे मोबाइल के जरिए दिखाते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की फिल्म इस वजह से बनी कि बॉलीवुड की सबसे महंगी एक्शन फिल्म दिवाली 2023 पर आएगी। ये 2023 की आने वाली सबसे ज्यादा बजट वाली फिल्म एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसमें अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ होने वाले हैं। तो इसकी और जानकारी दे तो अली अब्बास जफर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को लेकर एक तो ये बजट बड़े बजट की फिल्म होने वाली है, जिसको अली अब्बास बनाने जा रहे हैं। ये तो हम आपको बता ही चुके, इस फिल्म का नाम बड़े मियाँ और छोटे मियाँ है। ये बड़े मियाँ और छोटे मियाँ हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी एक्शन कॉमेडी फिल्म बनने जा रही है, और जिसका मुख्य कारण है अक्षय कुमार महंगी फीस लेने वाले। माना जा रहा है कि इस एक्शन कॉमेडी का बजट है 300 करोड़ रुपए, जिसका लगभग 50% केवल अक्षय कुमार की फीस है। इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार लगभग 140 से 150 करोड़ की फीस ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ टाइगर श्रॉफ भी फिल्म के लिए 35 से 40 करोड़ लेंगे। ये इस फिल्म का ऑफिशियल पोस्टर आप देख लीजिए। तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ का लगभग 7% बजट केवल इन एक्टर की फीस पर जाने वाला है, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर को इससे कोई गुरेज नहीं है। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं वासु बगनानी और जेकी बगनानी की प्रोड्यूस कंपनी
रुजा फिल्म से है। दिवाली पर होगा बड़ा धमाका। गौरतलब है कि अक्षय कुमार वासु बगदानी जैकी बगदानी के साथ बेल बटन के बाद एक और फिल्म की शूटिंग भी पूरी कर चुके हैं, जिसका नाम फिलहाल मिशन सिंड्रेला बताया जा रहा है। इसके अलावा टाइगर श्रॉफ भी पूजा फिल्म्स के साथ गणपत का पहला शूट कर रहे हैं। बड़ी मियां छोटी मियां 2022 के अंदर में फ्लोर पर जाएगी, और रिपोर्ट की माने तो अली अब्बास जफर की इस फिल्म दिवाली 2023 पर रिलीज करने का प्लान बताया जा रहा है। अक्षय कुमार इस साल दिवाली पर सूर्यवंशी के साथ धमाका कर चुके हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की आने वाली अपकमिंग फिल्म बड़े मियाँ और छोटे मियाँ के बारे में। तो दोस्तों, आज हम इस बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक बने रहे। तो आप सभी को बता दूं कि हमारे द्वारा दिखाई गई जितनी भी खबर होती है वो सब ऑफिशियल वेबसाइट फिल्मी गेट हिंदी के माध्यम से दिखाई जाती है, जिसमें कोई भी झूठ नहीं होता है, सब रियल होता है, जो हम अपने दूसरे मोबाइल के जरिए दिखाते हैं। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की फिल्म इस वजह से बनी कि बॉलीवुड की सबसे महंगी एक्शन फिल्म दिवाली 2023 पर आएगी। ये 2023 की आने वाली सबसे ज्यादा बजट वाली फिल्म एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसमें अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ होने वाले हैं। तो इसकी और जानकारी दे तो अली अब्बास जफर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को लेकर एक तो ये बजट बड़े बजट की फिल्म होने वाली है, जिसको अली अब्बास बनाने जा रहे हैं। ये तो हम आपको बता ही चुके, इस फिल्म का नाम बड़े मियाँ और छोटे मियाँ है। ये बड़े मियाँ और छोटे मियाँ हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी एक्शन कॉमेडी फिल्म बनने जा रही है, और जिसका मुख्य कारण है अक्षय कुमार महंगी फीस लेने वाले। माना जा रहा है कि इस एक्शन कॉमेडी का बजट है 300 करोड़ रुपए, जिसका लगभग 50% केवल अक्षय कुमार की फीस है। इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार लगभग 140 से 150 करोड़ की फीस ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ टाइगर श्रॉफ भी फिल्म के लिए 35 से 40 करोड़ लेंगे। ये इस फिल्म का ऑफिशियल पोस्टर आप देख लीजिए। तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ का लगभग 7% बजट केवल इन एक्टर की फीस पर जाने वाला है, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर को इससे कोई गुरेज नहीं है। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं वासु बगनानी और जेकी बगनानी की प्रोड्यूस कंपनी रुजा फिल्म है। दिवाली पर होगा बड़ा धमाका। गौरतलब है कि अक्षय कुमार वासु बगदानी जैकी बगदानी के साथ बेल बटन के बाद एक और फिल्म की शूटिंग भी पूरी कर चुके हैं, जिसका नाम फिलहाल मिशन सिंड्रेला बताया जा रहा है। इसके अलावा टाइगर श्रॉफ भी पूजा फिल्म्स के साथ गणपत का पहला शूट कर रहे हैं। बड़ी मियां छोटी मियां 2022 के अंदर में फ्लोर पर जाएगी, और रिपोर्ट की माने तो अली अब्बास जफर की इस फिल्म दिवाली 2023 पर रिलीज करने का प्लान बताया जा रहा है। अक्षय कुमार इस साल दिवाली पर सूर्यवंशी के साथ धमाका कर चुके हैं।